हाय एवरीवन, आज के सेशन में छोटा सा सेशन है, छोटा सा वीडियो है जिसमें हम पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटजीज अलग अलग डिस्कस में करने वाला हूँ, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में। तो देख लीजिए आपके लिए कौन सी वाली बेस्ट रहेगी। मान लीजिए आपका टारगेट जो है वो 180 प्लस का है, ठीक है, योर टारगेटिंग 180 प्लस। देन इन दैट सिनेरियो यू शुड स्टार्ट विथ केमिस्ट्री। ओके, ट्राई टू वाइन इट अप इन लेट्स से 30 to 35 मिनट्स, जितना पहला राउंड हो जाएगा। उसके बाद फिजिक्स या मैथ्स जो भी आप स्टार्ट करना चाहें, अराउंड 45 मिनट्स। फिर उसके बाद एक और 45 मिनट्स का राउंड रहेगा जो भी दूसरा सब्जेक्ट रह गया है ना। उसके बाद आप चाहो तो अराउंड 5 to 10 मिनट्स केमिस्ट्री को दे सकते हो, बट ट्राई टू यू नो अवॉइड दैट एज मच एज पॉसिबल, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट। और जो टाइम रह गया आपका, वो आप बाकी के टाइम को डायनेमिकली डिसाइड कर सकते हो। मतलब डायनेमिकली इन द सेंस कि फिजिक्स को कितना देना है, मैथ्स को कितना देना है, दोनों में बाइफरकेशन क्या करनी है, डिपेंडिंग ऑन द पेपर। तो ये कॉल आपको वहाँ पे लेनी पड़ेगी। अगर आपका टारगेट लेट से इन द रेंज ऑफ 150 मार्क्स का है, ठीक है, उस सिनेरियो में पहले राउंड में आप तकरीबन तकरीबन केमिस्ट्री को अराउंड 40 मिनट देंगे, फिर फिजिक्स मैथ्स को अराउंड आप 40 मिनट दे सकते हैं, और उसके बाद अराउंड 10 मिनट केमिस्ट्री को, ठीक है, और बाकी का आप डायनेमिक कॉल लेंगे कि कहाँ कहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। मोस्टली मैथ्स और फिजिक्स में रखिएगा तो बेहतर है, ठीक है। आई वुड से अगर आपका लोअर एंड पे टारगेट है, मतलब अराउंड 120 के आसपास का टारगेट है, उस केस में आप चाहो तो केमिस्ट्री को पहले राउंड में थोड़ा ज़्यादा समय दे सकते हो, ठीक है। फिर फिजिक्स मैथ्स में अराउंड 45 मिनट्स और 40 मिनट्स, मतलब जो स्ट्रांग लग रहा है आपको उसको 45, जो वीक लग रहा है उसको अराउंड 40, ठीक है। उसके बाद अराउंड 15 मिनट आप और चाहे तो केमिस्ट्री को दे सकते हैं, अगर आपको लग रहा है केमिस्ट्री क्वेश्चन हो जाएंगे, और बाकी के टाइम को आप डायनेमिकली डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली हर स्ट्रेटजी का पर्पस ये है कि एक तो आप कंप्लीट पेपर देख लें, है ना, ऐसा ना हो कि कई बार क्या है, कई लोग क्या करते हैं, ये स्ट्रेटजी मत लगाइएगा, इनमें से कोई भी लगा लीजिए, ये वाली मत लगाइएगा। कौन सी? जैसे कई बार लोग क्या करते हैं, डोंट यूज़ दिस, कि पहले जैसे केमिस्ट्री कर लिया 1 घंटा, फिर कहते हैं 1 घंटा फिजिक्स कर लेंगे और 1 घंटा फिर मैथ्स कर लेंगे। ये बिल्कुल ही बेकार स्ट्रेटजी है, इसको मत लगाइए। बिकॉज इसमें जो तीसरा सब्जेक्ट आप करेंगे वो डेफिनेटली नीचे जाने ही वाला है, बिकॉज लास्ट के टाइम पे अंडर प्रेशर यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म, और यहाँ से भी थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ये मत लगाएगा। दूसरा, पहले से प्री डिसाइडेड मिनट्स रखें कि आप कितने मिनट्स करने वाले हैं, वहाँ पे जाके कॉल मत लें, ठीक है। ये जो पहला राउंड है वो प्री डिसाइडेड होना चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ कैसा भी पेपर है, बिकॉज आप ऐसा चेंज नहीं कर सकते वहाँ पे जाके। फिर नहीं तो आप मान लो आप केमिस्ट्री स्टार्ट करोगे, आप उसमें से बाहर ही नहीं निकल पाओगे, आपको 1.5 घंटा लग जाएगा केमिस्ट्री करते रहोगे, है ना। तो पहले से मन बना लें कि मेरे को शिफ्ट करना ही करना है, चाहे मेरे कितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं, मैं बाकी सब यहाँ पे कर लूँगा। मैं डायनेमिक टाइम में दे दूंगा कुछ टाइम केमिस्ट्री को, अगर आपको लग रहा है कि और क्वेश्चन हो रहे हैं, बट यहाँ पे आपको उसको छोड़ना पड़ेगा, यू हैव टू लीव केमिस्ट्री एट सम पॉइंट, ठीक है। तो इनमें से आप कोई भी प्लान अपने टारगेट रेंज के हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था वो था। उसके अलावा जो भी लोग अनअकैडमी पे आ रहे हैं तो आप ये ऑफ़र अवेल कर सकते हैं, मेरे रेफरल कोड विनीत लाइव के साथ आप अन अकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। ये एक्सटेंशन ऑफ़र है, इसमें आपको 30% ऑफ जो है वो दिया जा रहा है अन अकेडमी की तरफ से। 12 महीने पे 4 महीने एक्स्ट्रा है, 24 महीने पे 6 महीने एक्स्ट्रा है, ठीक है, और आइकॉनिक पे भी सेम आपको ड्यूरेशंस एक्स्ट्रा मिल रही हैं। तो ओवरऑल आपको अराउंड 30% का जो है वो डिस्काउंट जो है वो दिया जा रहा है। एडिशनल 500 रुपीज़ देने पे आपको CBSE Class 10, 11, 12 का सब्सक्रिप्शन भी मिल जाता है। उसके अलावा हमारा बैच आ रहा है 2024 एस्पिरेंट्स के लिए, अराउंड 2.0, जिसमें हम स्टार्टिंग में पहले आपको Class 11 जो है वो कवर करा रहे हैं मार्च तक, ठीक है। उसमें जो भी आपका बैकलॉग वगैरह है वो धीरे धीरे कवर कराया जा रहा है, और एक बैच चल रहा है और अराउंड का, और इसमें हम 20 तारीख से दूसरा बैच स्टार्ट है, और फिर 12th हम स्टार्ट करेंगे अराउंड अप्रैल से, ठीक है। तो ये बैच अराउंड 12 महीने ड्यूरेशन का रहेगा, बाय दिसंबर तक हम इसको यू नो रिवीजन के साथ वाइंड अप कर देंगे। और भी कई बैचेज हैं जो प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, आप मेरे रेफरल कोड विनीत लाइव के साथ कोई भी बैच को एनरोल कर सकते हो। उसके अलावा ये टेस्ट सीरीज़ है जिसमें आप ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ को अटेम्प्ट करते हैं,
IIT JEE मेन 2023 के लिए एकदम फ्री है ये, ठीक है। आप टेस्ट कभी भी ले सकते हैं और ऑल इंडिया रैंक भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं अन अकेडमी के रैंक प्रेडिक्टर के साथ। टॉप 100 परफॉर्मर्स को स्कॉलरशिप्स भी दिया जाता है इसमें, ठीक है। उसके अलावा अन अकेडमी का JEE केमिस्ट्री चैनल है जिस पे आप जुड़ सकते हैं और अन अकेडमी के टॉप केमिस्ट्री एजुकेटर के साथ पढ़ सकते हैं, और स्पेशल फोकस इसमें केमिस्ट्री पे रहता है। और साथ साथ अब इसमें मैथ्स और फिजिक्स की भी सीरीज इंक्लूड है। आई विल बी टेकिंग अप द मैथ्स पार्ट, ठीक है। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, सो दैट वॉज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। हम मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब रखिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट।